अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आवश्यकता क्या थी? एनपीआर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, एक रजिस्टर बनेगा, कोई हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या जहाँ ये भी पता ना हो कि कौन आएगा कौन रहेगा या कौन रहेगा, ये बताने में भी कोई समस्या है? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं एनपीआर में नाम नहीं लिखवाऊंगा, और नेता कहते हैं कि एनपीआर में नाम नहीं लिखवाओगे, भाई लिखवाना पड़ेगा अगर चुनाव लड़ना, और नहीं लिखवाओगे तो चुनाव में नहीं लड़ दिया जाएगा, सीधी सी बात है। जो धर्मशाला नहीं देश, कानून का राज है, जो मोदी योगी का राज है, जो गड़बड़ करेगा उसका इलाज भी होगा बढ़िया रहा, और व्या भी इलाज, या कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कि 2013 में मुजफ्फर में दंगा कर दिया और 2014-15 में सहारनपुर में उपद्रव कराया, दुकानें जड़े मेरे याद है अच्छी तरह, अब तो जो करेगा उसका बढ़िया इलाज होगा, खूब बढ़िया। और जो इसके पीछे हैं, जो ये 12 से 18 साल के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, ये भी कान खोल कर सुन लें, इनकी भी जांच शुरू हो चुकी, इन्हें भी पता लग जाएगा जो ये पीछे से गड़बड़ करते हैं। इस बार नेता सामने नहीं आए, कौन लोग हैं पीछे थे, पुलिस इसकी वजह आती। एनपीआर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, एक रजिस्टर बनेगा, कोई हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या जहाँ ये भी पता ना हो कि कौन आएगा कौन रहेगा या कौन रहेगा, ये बताने में भी कोई समस्या है? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं एनपीआर में नाम नहीं लिखवाऊंगा, और नेता कहते हैं कि एनपीआर में नाम नहीं लिखवाओगे, भाई लिखवाना पड़ेगा अगर चुनाव लड़ना, और नहीं लिखवाओगे तो चुनाव में नहीं लड़ दिया जाएगा, सीधी सी बात है। जो धर्मशाला नहीं देश, कानून का राज है, जो मोदी योगी का राज है, जो गड़बड़ करेगा उसका इलाज भी होगा बढ़िया रहा, और व्या भी इलाज, या कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कि 2013 में मुजफ्फर में दंगा कर दिया और 2014-15 में सहारनपुर में उपद्रव कराया, दुकानें जड़े मेरे याद है अच्छी तरह, अब तो जो करेगा उसका बढ़िया इलाज होगा, खूब बढ़िया। और जो इसके पीछे हैं, जो ये 12 से 18 साल के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, ये भी कान खोल कर सुन लें, इनकी भी जाँच शुरू हो चुकी, इन्हें भी पता लग जाएगा जो पीछे से गड़बड़ करते हैं। इस बार नेता सामने नहीं आए, कौन लोग हैं पीछे थे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।